हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद आपके लिए कौन सी पांच चीज़ें बदल जाएंगी। आधार कार्ड के जजमेंट के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो पहले उसको देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस फैसले के बाद किन किन चीज़ों में बदलाव आएगा। आधार नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने जहां अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अब गलत बताया है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए उसकी आवश्यकता अभी भी बरकरार रखी गई है। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई चीज़ें बदल गई हैं। मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करवाना अब गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना अब गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिल्कुल ही असंवैधानिक करार दिया है। इसके बाद आपके लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाना जरूरी नहीं होगा। दूसरा ये कि बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाना, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने को भी असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आपको अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाने की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली बात आती है स्कूलों में आधार कार्ड की ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि स्कूलों में आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसने स्कूलों में इसकी अनिवार्यता को भी अब ख़त्म कर दिया है। पहले जब भी आप अपने छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने जाते थे तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ों को आधार से लिंक कराना गलत बताया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों के लिए इसकी अनिवार्यता को भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना ज़रूरी होगा। इसके अलावा उसने आयकर को भी आधार से लिंक कराना सही बताया है। इसके साथ लाभकारी जितनी भी योजनाएं होंगी जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उसे भी आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लिंक कराने का जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी ज़्यादा आम आदमी को राहत दी गई है। इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी से शुरू हुई थी जो कि 38 दिनों तक चली। आधार से किसी की निजता का उल्लंघन होता है या नहीं, इसकी अनिवार्यता और वैधता के मुद्दे पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया है। आधार पर सुनवाई की शुरुआत 2012 में हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के आधार पर इस मामले को सुना था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड के ऊपर फैसले के बाद कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।